So acetyl coenzyme A will enter in Krebs cycle. अब हम क्रेब साइकिल की तरफ आ जाते हैं कि क्रेब साइकिल किस तरह से होगी. सो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट करने के लिए मौजूद होता है ऑक्सैलो एसिटेट. दिस ऑक्सैलो एसिटेट इज अ फोर कार्बन कंपाउंड और जब इसके साथ ये टू कार्बन एसिटेट कंबाइन करेगा देन इट इज कन्वर्टेड इनटू सिक्स कार्बन सिट्रेट. सो पहला कंपाउंड जो क्रेब साइकिल में डेवलप होता है दैट इज सिक्स कार्बन सिट्रेट और इसकी वजह से क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम भी देते हैं. So the location of Krebs cycle or citric acid cycle is mitochondrial matrix. So citrate के बनने के साथ ही यहां से coenzyme A remove हो जाएगा और एक water का molecule add हो जाएगा. ये citrate next convert होता है अपने आइसोमर में दैट इज आइसोसिट्रेट. दिस आइसोसिट्रेट इज आल्सो सिक्स कार्बन कंपाउंड. आइसोसिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू अ फाइव कार्बन कंपाउंड दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटरेट. अल्फा कीटो ग्लूटरेट इज फाइव कार्बन कंपाउंड और सिक्स कार्बन से फाइव कार्बन में कन्वर्ट होने का मतलब है कि एक तो यहां पे कार्बन रिलीज होगी डीकार्बोक्सिलेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ CO2 और हाइड्रोजन रिलीज होते हैं अलोंग विद इलेक्ट्रॉन्स विच विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH. अल्फा कीटो ग्लूटरेट is converted into succinate. This succinate is a four carbon compound और again यहां पर एक तो decarboxylation होगी CO2 बनेगी और dehydrogenation होगी यानी NADH की formation होगी. और नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये सक्सीनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में. फ्यूमरेट इज आल्सो फोर कार्बन कंपाउंड और इस कन्वर्जन के दौरान FADH2 के एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है. यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए मौजूद होता है FAD. बाकी तमाम जगहों पे NAD मौजूद था, यहाँ पे FAD मौजूद होगा जो इन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा. फ्यूमरेट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फोर कार्बन कंपाउंड दैट इज मैलेट और इस कन्वर्जन के दौरान एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है. सो वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा एंड फाइनली दिस मैलेट इज कन्वर्टेड बैक टू ऑक्सैलो एसिटेट और जब ये कन्वर्जन होती है इट इज एसोसिएटेड विद डीहाइड्रोजिनेशन एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ NADH. दो चीजें और यहां पे याद रखनी है कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट की सक्सीनेट में कन्वर्जन के दौरान ATP का एक मॉलिक्यूल भी बनता है. पहले GTP बनेगा फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा ATP के अंदर. प्लस आपने याद रखना है कि इसी स्टेप के लेवल पर एक वाटर मॉलिक्यूल की भी एडिशन होती है
यानी क्रेब साइकिल में टोटल 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, एक हमने यहाँ पर एडिशन पढ़ा है, दूसरा यहाँ पर एडिशन पढ़ा है और तीसरा यहाँ पर एडिशन पढ़ा है। इसी तरह से एक क्रेब साइकिल के दौरान एक एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, एक क्रेब साइकिल के दौरान 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, एक क्रेब साइकिल के दौरान 3 NADH की फॉर्मेशन होगी, जबकि एक FADH2 यहां पर डेवलप होगा। सो ये ओवरऑल हमारे सामने क्रेब साइकिल मौजूद है कि इसमें डिफरेंट रिएक्शंस कौन से होते हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनेंगी, इसकी इनपुट क्या होगी और इसकी आउटपुट क्या होगी, और लोकेशन हमने देख ली है, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स।